मुख्यालय के शमशान घाट पर खुले आसमान में बारिश के चलते कई घंटे रखा रहा मृतक का शव। मानवता हुई शर्मशार नगर परिषद से 89 लाख से स्वीकृत राशि के बाद भी अभी तक नहीं हुआ मुक्तिधाम का निर्माण। पोरी मुख्यालय के शमशान घाट पर खुले आसमान में बारिश के चलते कई घंटे रखा रहा मृतक का शव। नगर परिषद से 89 लाख से स्वीकृत राशि के बाद भी अभी तक नहीं हुआ मुक्तिधाम का निर्माण। जबकि ये शमशान घाट मुख्यालय पर होने के साथ पोहरी कृष्णागंज पंचायत के लोगों का यही दाह संस्कार किया जाता है, जिसकी करीब 8000 से ज़्यादा संख्या है, जिसके बाद भी मुक्तिधाम जैसे जनहितकारी काम नहीं हो पा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि पोहरी में आज एक गरीब हरिजन गोविंद धानु को लाश को बारिश के चलते घर पर रखने पर जिसका नतीजा है कि आज पोहरी में एक गरीब हरिजन गोविंद धानु की लाश को बारिश के चलते घर पर रखने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि आज दिनांक 30/6/2023 को सुबह से पानी बरस रहा था। वहीं शमशान घाट पर टीन शेड की व्यवस्था न होने से बरसते पानी में कैसे शव को जलाते, पोहरी नगर पंचायत होने के बाद भी आज भी लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। नगर परिषद होने के बाद लोगों को बड़ी आस थी कि अब कुछ विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जाएंगे, वहीं लोगों को कहीं तरह की परेशानियों से निजात मिलेगी। वहीं मुक्तिधाम में निर्माण कार्य अधूरा होने से बारिश के मौसम में टीन शेड ना होने से मृतक के शव को जलाने के लिए खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित जगह पर टीन शेड ना होने से शव के लिए दंत संस्कार करने में भी अनेक परेशानी आती है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद पोहरी द्वारा 12 दिसंबर 2021 को 88 लाख रुपए की लागत से मुक्तिधाम का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें समतलीकरण सहित बाउंड्री वॉल के लिए कॉलम खड़े करने का कार्य किया जा रहा था। वहीं निर्माण कार्य की अनियमितता को लेकर मुक्तिधाम पर पहुंचकर नगर परिषद उपाध्यक्ष पति संजीव शर्मा व अमित शर्मा, निर्माण समिति अध्यक्ष व पार्षद गढ़ श्री एमओ इंजीनियर नगर परिषद अध्यक्ष पति नेपाल धाकड़ ने निर्माण कार्य हो रहे घटिया निर्माण को रुकवा दिया। उनका आरोप था कि काम से पहले 12 लाख की राशि का भुगतान हो गया है। मौके पर विवाद इतना बड़ा ठेकेदार व पार्षदों में हाथापाई की नौबत आ गई। वहीं पार्षदों द्वारा ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया व उसके बाद ठेकेदार द्वारा नपाध्यक्ष पति साहब पार्षद पर मुकदमा दर्ज कर दिया। करीबन 6 महीने हो गए जब से निर्माण कार्य उधर में लटका हुआ है। पोरी की जनता कर रही थी कई लंबे वर्षों से टीन शेड लगने के इंतजार, लेकिन अभी तक नहीं लगी शमशान पर टीन शेड। पोरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।